जवाबदेही पर उठा विधायक का डंडा, सच को छिपाने का ये कैसा हथकंडा, नुक्कड़ नाटक देख कर देते हैं ये सजा, सच को दबाने में इन्हें आता है मजा, सच के दुश्मन प्रतिनिधि। नुक्कड़ नाटक के कलाकारों से नाराजगी हुई तो विधायक कंवरलाल मीणा ने हाथ में लाठी थमा ली, फिर लाठी से पीटकर कलाकारों को समझाते नजर आए। बाद में यह भी कहा गया कि वो तो बस समझाइश कर रहे थे, पहले रिपोर्ट देके फिर बात करेंगे कि ये समझाने का कौन सा भला अंदाज है। सड़क पर नुक्कड़ नाटक देखने पहुंचे विधायक, लेकिन जब हुआ उनका सच से सामना तो उन्होंने उठाई लाठी और तड़ातड़ बरसा, और जब उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि ये है उनका समझाने का तरीका। अब वो लाठी से कलाकारों को क्या समझाना चाहते थे ये समझ से परे है। वो एनजीओ था ये तो बाद में पता लगा है, मेरे को तो फोन आया था कि यार ऐसे ऐसे करके भीड़ कुछ लोगों के साथ मारपीट कर रही है, मेरा घर पास होने की वजह से मैं तुरंत भाग गया। तब लाठा लोग लेके भीड़ इधर उधर भगा भगी कर रही थी, मैंने भी एक दो लोगों से उसको समझाने की कोशिश करी, लत मुठ छुड़ा के एक तरफ पटका, उनको समझा के दिप्ती साहब भी आ गए थे और उनको ले भी गए थे। बाद में कांग्रेस के जो पूर्व विधायक कैलाश मीणा है वो आकर उसको राजनीतिक तूल दिया है, मैं तो उसको लेना देना नहीं, मैं तो बेचारों के साथ बाहर के लोगों के साथ मार पीट रहे थे, बचाने के लिए गया था, मैं बीच बचाव में गया था। और ये है विधायक जी के समझाने का अंदाज, हाथ में लाठी, नाटक के किरदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते विधायक। उन्हें मालूम नहीं था ये उनके समझाने का तरीका तीसरी आंख कैद कर रही है। एक दो दिन तफ्तीश के दौरान कुछ ऑडियो विजुअल्स वगैरह प्राप्त हुई और उसके आधार पर हमने सात जो महत्वपूर्ण बदमाशान जिन्होंने इस घटना को कारित करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उनको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया है। उनके अनुरूप सही त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला गरमाने पर पुलिस हरकत में आई, कई लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार किया, लेकिन विधायक जी पर कार्रवाई की बात आई तो पसीने छूटने लगे, वीडियो देखने का बहाना करने लगे। पुलिस की ये बहानेबाजी ना सामाजिक कार्यकर्ताओं को पच रही है और ना ही विपक्ष को। हम सबसे पहले क्रिमिनल एक्शन उसका हम लोग इमीडिएट अरेस्ट चाहते हैं, क्योंकि ये दो तरफा एक नुकसान है पूरा लोकतंत्र के लिए। एक तो कि हिंसा जो आप ऐसा आतंक फैलाए कि मेरे इलाके में आए तो मैं आपका बात को पसंद नहीं करूंगा तो मैं हमला कर सकती हूँ, ये बहुत बुनियादी आतंक है। दूसरा है कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप जनता की बात नहीं सुनना चाहते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता जनप्रतिनिधि। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, उनके अपने गृह क्षेत्र में कल इस प्रकार बीजेपी के एमएलए ने एक घातक हमला किया, एनजीओ से समाज सेवियों के ऊपर एक जाने का आक्रमण हुआ है, ये भी कानून व्यवस्था जो चरमरा गई है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दरअसल शुरुआत हुई एक एनजीओ से जो जवाबदेही यात्रा पर निकली है, अलग अलग विषयों पर नुक्कड़ नाटक कर रही है, मकसद है आरटीआई कानून को और मजबूत बनाना, आरटीआई कानून में अड़चन पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखना। लेकिन जागरूकता का ये नुक्कड़ नाटक विधायक जी को रास नहीं आया और वो सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने अंदाज में समझाने निकल पड़े। लेकिन विधायक महोदय को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और ये समझना तो उनके लिए बेहद जरूरी है कि देश की जनता बेवकूफ नहीं है। झालावाड़ से समाचार प्लस के लिए अनीस आलम की रिपोर्ट। तो जागरूक करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, दरअसल वो उन लोगों को पीटते हैं जो जागरूक करने का प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, और फिर ये कहा जाता है कि वो दरअसल बीच बचाव करने गए थे डंडा लाठी लेकर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मनीष पारीख जी, पीसीसी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे मेरे साथ मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी मेरे साथ मौजूद हैं। निखिल जी, आपके साथ मैं चर्चा को शुरू करना चाहूंगा कि जानकारी आपको अभी तक मिल पाई कि आपके कार्यकर्ताओं ने आखिर ऐसी कौन सी खता कर दी
कि विधायक साहब को गुस्सा आ गया, लाठी चलानी पड़ गई। ऐसा तो कोई भी काम नहीं है कि जो किसी को गुस्सा आए जी, क्योंकि ये यात्रा 1 दिसंबर से 10 मार्च तक चलने वाली 100 दिन की यात्रा है, 15 जिले को पार कर चुकी है, 100 जनसभाएं हुई है जी, नाटक भी है, बातचीत भी है, और अंत में लोगों को जोड़ते हुए एक अच्छा प्रशासन, जो जवाबदेह प्रशासन हो, उसको बनाने कायम करने का एक पूरा एक अभियान है जी। उसमें विधायक महोदय को क्या गुस्सा आया समझ में नहीं आया, उन्होंने तो कुछ सुना नहीं, आए और लाठी से न केवल खुद वो और 15-20 लोग भी आए, तो इसीलिए सोची समझी साजिश थी जी। कुछ गुस्से होने लायक बात ही नहीं है, कोई वहां कहा सुनी हुई नहीं, आके लाठी बरसाने लगे, और जो वो बात कह रहे हैं और जो दिख रहा है जी फोटोओं में साफ दिखता है कि उन दोनों चीजों के बीच में क्या अंतर है। निखिल जी, क्या जानकारी आपके कार्यकर्ताओं के जरिए आप तक पहुंच पाई कि जो विधायक साहब वहां पर पहुंचे, आते ही लाठी की भाषा वो समझाने लगे या समझाइश की कोशिश वहां पर की गई? ये कुछ भी नहीं बोला, आते ही उनके 2-3 लोग आए और गिराने लगे, जो खड़े थे लोग उनको लात मारने लगे, और लाठियों के साथ लेस थे 15-20 लोग, और वो सीधा पीटने लगे। महिलाओं ने एक चेन बनाया, ह्यूमन चेन बनाया, और हाथ जोड़ के कहा कि हमसे बात करो, लाठी मत चलाओ जी। और महिलाओं को थप्पड़ मारा, बहुत दुर्व्यवहार किया, और ये एमएलए साहब खुद लीड कर रहे हैं ये पूरी चीज को, तो वो क्या कहता है हमारे विधायक गण के बारे में और ये पूरी परिस्थितियों के बारे में, बहुत ही गंभीर है जी। और ये किस चीज को रोकना चाहते हैं वो भी उसके बारे में सोचना चाहिए जी। बिल्कुल मनीष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप खुद ये कहते हैं, आपकी सरकार ये कहती है कि सरकार जवाबदेह सरकार है, लेकिन जब जवाबदेही यात्रा निकाली जाती है आपके ही अधिकारियों की समस्याओं को लेकर एक पूरा डाटा तैयार किया जाता है, तो आपके विधायक साहब को इतना गुस्सा आता है कि वो लाठी चलाते हैं। अगर वो वाकई में जनता के प्रतिनिधि थे, अगर वाकई में मुद्दे को सुलझाना चाहते थे, तो फिर पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया, खुद लाठी लेकर पीटा क्यों गया? नहीं विजेंद्र जी, बात यह है कि जैसा अभी निखिल जी ने कहा कि 15 जिलों में होकर आई है जी, तो वहां पर तो कहीं ऐसी बात हुई नहीं। इसका मतलब जो सरकार के बारे में जवाबदेही का जो भी एनजीओ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम जी, उसके बारे में हमें कोई भी ये कहना कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है। 15 जिलों में कोई बात ही नहीं हुई, अच्छा प्रोग्राम हुआ है, लोगों ने उसमें शिरकत की है, और ये जो अच्छा काम जनता की समझाइश का चल रहा है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी में उनको लिटरेट करने की बात है, तो ये तो अच्छी बात है। कंवरलाल मीणा भला क्या समझाना चाहते थे? आपने देखा अभी वो बता रहे थे कि वो उनका पक्ष भी सुना गया है जी, और वो दुनिया के सामने है ही बताने के लिए, मुझे लगता है कि, और जो FIR है उस पर भी जी, शायद आपने पूरी रिपोर्ट नहीं देखी, अगर नहीं देखी है तो एक बार जरा तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से विधायक साहब लाठी हाथ में लेकर दौड़ा दौड़ा कर यहां पर पिटाई कर रहे हैं। और क्या आप साथ के साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता यहां पर पिटाई करने आए थे, विधायक साहब के इलाके में आए थे, विधायक साहब के बिना जानकारी के आए थे, और अगर बिना जानकारी के आए थे तो जरा ये भी समझाइए कि क्या आपके विधायक की वहां पर चलती नहीं है कि उनसे बिना पूछे कार्यकर्ता वहां पर हंगामा करते हैं, और अगर विधायक साहब वहां पर लीड कर रहे थे तभी शायद कार्यकर्ता पिटाई करते नजर आए। नहीं, जब ये विजेंद्र जी, जब ये खबर पता चली है, इसके बारे में कोई शिकायत नहीं आई है बीजेपी का जो समिति है अनुशासन की, उसमें जो शिकायत जब ध्यान में आया था केवल अखबार की खबर के कारण, तो उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है कि ये आपका चित्र है और आपके बारे में ऐसी खबर छपी है, इसके बारे में आप कारण बताएं, क्यों नहीं आपके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जाए। तो इस बारे में जो भी कार्रवाई है, प्रोसीजर है, वो पूरी तरह से किया गया है। चलिए प्रोसीजर मनीष जी, वैसे देख लिया है कि अभी तक उनको ना हिरासत में लिया गया ना गिरफ्तार किया गया। ओम सैनी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपने इस तरीके के घटनाक्रम राजस्थान के अंदर कई मर्तबा देखे होंगे, आप अगर ये कंवरलाल मीणा एक साधारण आदमी होता, कार्यकर्ता होता, हाथ में विजुअल के अंदर डंडा नजर आ रहा होता, दौड़ा दौड़ा कर पीटता हुआ दिखाई दे रहा होता, क्या अभी तक सलाखों के बाहर होता? निश्चित रूप से ये अंदर होते और इनकी जमानत नहीं होती जी। जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया है उससे लगता यह है कि राज्य सरकार को अब इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, खासतौर से ना झालावाड़ का प्रशासन नहीं, जयपुर के प्रशासन को इस पे गौर करना चाहिए, मुख्यमंत्री को गौर करना चाहिए, ताकि ये एमएलए साहब का सिलसिला जो
जिस तरीके से ये पेश आए हैं वो तो लगता है कि जैसे कोई अवांछनीय तत्व है वो घुस गया है और वो नहीं चाहता कि लोगों को समझाए इसका सिलसिला चले, लोग जाने के उनके अधिकार क्या हैं, लोग ये समझें कि कैसे उन अधिकारों को हासिल किया जा सकता है। निश्चित रूप से शर्मनाक बात है। और पुलिस में अब क्या इनको देखना है, पुलिस को क्या देखना है, क्यों नहीं इनको हिरासत में लेकर के और सारी बात की जाती है। और मनीष जी इसको भी कहा जाना चाहिए कि आप किस अनुशासन पे चल रहे हैं, कौन से अनुशासन की जो जांच होगी, तत्काल इनके बारे में जो प्रदेश संगठन है उसके अध्यक्ष को, प्रदेश संगठन को इस पे नोटिस करना चाहिए, इमीडिएटली इनको बुलाया जाना चाहिए जयपुर में और इनको इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की इतिश्री जी यहां सिर्फ 7 दिन का नोटिस देकर ले ली गई है कि 7 दिन के अंदर जवाब दीजिए। अर्चना जी मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा, 6 दिन से समाचार प्लस लगातार एक नए विधायक की करतूत यहां पर दिखा रहा है कि बीजेपी के विधायक किस तरीके से हंगामा करते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं और प्रहलाद गुंजल को एक बार फिर से बीजेपी के अंदर वापस ले लिया गया है। क्या सारे विधायकों को खुली छूट है कि आप अपने मन मुताबिक अपने इलाके के अंदर काम कराइए, अपने कार्यकर्ताओं को अपने हिसाब से चलाइए और जब अपने हिसाब से कार्यकर्ता चलते हैं तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आती है जैसी टीवी स्क्रीन पर है? देखिए विजेंद्र, प्रहलाद गुंजल की एंट्री ही एक संदेश था पूरे प्रदेश को कि जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होंगे जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी की उन्हें संरक्षण देगी सरकार जी। लेकिन ये प्रकरण जो है बिल्कुल सामने आया, विजुअल्स के साथ आया और उसके बाद ये कह रहे हैं मनीष जी या इनकी पार्टी की, हमने अनुशासन समिति को सुपुर्द किया। ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन भंग का किसी उनके मंच पर आयोजित कार्यक्रम का परिदृश्य नहीं है, ये परिदृश्य है एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां पर एक स्वयंसेवी संस्था जनजागरण की यात्रा लेकर निकली थी। वहां ये विधायक महोदय आते हैं अपने गुंडे और दबंगे को दिखाते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उन पर टूट पड़े लाठियां लेकर के, और पूरी तरह से इन विजुअल्स में दिख रहा है, पूरा फुटेज उसको उसका साक्षी है और वहां की जनता भी। और जो स्वयंसेवी संस्था इस आयोजन को कर रही है उसकी प्रतिष्ठा है पूरे भारत में। ऐसी अवस्था में किस चीज का और किस बात की प्रतीक्षा करके उस विधायक को आज तक पद पर बनाया गया मुझे समझ नहीं आ रहा। उनके पद पर बने रहने का औचित्य उसी समय समाप्त हो गया जब उन्होंने लाठियां उठाकर निरीह महिलाओं और एनजीओ के साथियों की पिटाई की। ऐसी अवस्था में आपराधिक कृत्य FIR दर्ज होनी चाहिए धाराओं में, जिन धाराओं के तहत उन 7-8-10 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें इस विधायक को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। और कारण बताओ नोटिस के इस तरह से अपराधियों को भी देंगे क्या है कि बताइए आपने अपराध क्यों किया, आपने बलात्कार क्यों किया, आपने मर्डर क्यों किया। ये सारी स्थितियां बताती है भारतीय जनता पार्टी के राज में अराजकता व्याप्त है पूरे प्रदेश में और अराजकता को संरक्षण मिला मुख्यमंत्री के स्तर पर। ये निर्वाचन जिला मुख्यमंत्री का है और मुझे लगता है ये जो नए नए विधायक बने ये सोच रहे थे कि सामंती मुख्यमंत्री के राज में वही बात करता हूं जिससे मुख्यमंत्री खुश हो जाए। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री मनीमन खुश भी होंगी और उनको बाद में हो सकता है पुरस्कृत भी कर दिया जाए भविष्य में किसी राजनीतिक रूप से और भी। लेकिन आज मिल सकता है ओम सैनी जी, एक बार फिर से मैं वापस आपके साथ आऊंगा क्योंकि जब सरकार सत्ता में आने वाली थी एक नारा दिया गया था आओ साथ चलिए, क्या यहां पर यह नारा कार्यकर्ताओं के ऊपर फिट बैठता नजर आ रहा है कि विधायक साहब खुद डंडा उठाते हैं, कार्यकर्ता पीछे पीछे चलते हैं, आओ साथ चलो के साथ साथ उन लोगों को पीटा जाता है जो कि जागरूक करना चाहते हैं जनता को। शायद विधायक साहब चाहते नहीं कि उनके इलाके के अंदर कोई जागरूक हो क्योंकि अगर जागरूक आम आदमी हो गया तो शायद विधायक साहब की सीट खतरे में पड़ जाएगी। देखिए जिस सुशासन की कल्पना करके और जिस घोषणा करके जिस तरीके से शासन में भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान शासन है जी उसके बिल्कुल विपरीत सारी बातें हो रही हैं। और इस पर अगर राज्य सरकार और मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री स्वयं गौर नहीं करती है तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक होगा। अर्चना जी जो कुछ कह रही हैं वो तो मान लिया जाए कि साहब कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष में बैठी है इसलिए ऐसा कह रही होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो एनजीओ है, ये जो जिन लोगों के साथ में ये सब हुआ है, इन लोगों ने तो सूचना के अधिकार के लिए बड़ा काम किया है, सारा पूरा राजस्थान जानता है, जिसकी वजह से इनका सम्मान है, सब जगह इनको बड़े गौर से सुना जाता है, समझा जाता है। और उनके साथ में अगर कोई विधायक इस तरह की हरकत करता है और उसके बाद में 7 दिन का वक्त दिया जाता है इनके अनुशासन समिति की ओर से कि उसके बाद में इस पर कार्यवाही होगी, मेरा ख्याल है कि जिस तरह के सामान्य आदमी के साथ में अगर ऐसा कुछ हो गया होता, उसने ऐसा कर दिया होता तो तत्काल पुलिस हवालात में बंद कर देती। तो पुलिस के लोग वहां क्या कर रहे हैं, प्रशासन के लोग वहां क्या कर रहे हैं, उनको तत्काल ये सब काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की खामोशी इस पर ठीक नहीं रहेगी, इसका बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा पूरे राजस्थान के अंदर कि मुख्यमंत्री के होते हुए इस तरह के सारे काम होते हैं तो क्या मुख्यमंत्री के शैपे हो रहे हैं। मेरा सा ख्याल है कि इन सारे आरोपों से बचने के लिए मुख्यमंत्री को तत्काल या गृह मंत्री को तत्काल प्रशासन को
ताकीद करना चाहिए कि वो इस पर एक्शन लें और तत्काल इनको गिरफ्तार करें, कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे लगे कि हाँ ये सुशासन है, अन्यथा तो सुशासन कहाँ है यहाँ पर। जी बिल्कुल अमसनी जी, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोई जवाब दिया नहीं है। गृह मंत्री कहते हैं कि कार्रवाई यहाँ पर जरूर की जाएगी, वहीं पर चिकित्सा मंत्री को इस बात की जानकारी है नहीं, जबकि टॉप लीडर्स के अंदर वो चुने जाते हैं, देखे जाते हैं। अब सवाल आपसे ये है कि जिन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर नोटिस कर लिया, दुर्भाग्यजनक जिनको यहाँ पर ये जानकारी मिल चुकी है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, विधायक साहब को अलग भी रख दे तो भी उनके खिलाफ अभी तक बीजेपी ने कोई एक्शन लिया नहीं है, क्या मौन सहमति इसको बीजेपी की तरफ से मान ली जाए? निश्चित रूप से देखिए आरोप लगेगा ये, परिणामी जी को बात सोचनी चाहिए, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि इस तरह के मामलों के अंदर 7 दिन का या 8 दिन का वक्त नहीं होता, ऐसे तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए, वरना आरोप यही लगेगा कि प्रशासन की और संगठन की दोनों की ऐसे विधायक को शह दी हुई है कि वो चाहे जैसा करें लेकिन अपनी बात को लोगों के सामने उस तरीके सामने आने ना दे, जो कुछ उन्होंने कुकर्म किए हैं वहां पर, जो कुछ उन्होंने सामाजिक ऑडिट में गड़बड़ की हुई है, अगर वो सामने आ गया तो उनकी जिस तरह से बदनामी होगी उसको रोकने के लिए प्रशासन और संगठन लगता है कि जैसे साथ में मिल गए हैं। मुझे लगता है कि परिणामी जी को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को इस पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए, अन्यथा ये आरोप सिद्ध हो गए कि बिल्कुल निश्चित रूप से प्रशासन और सारा सब कुछ सब एक साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। निखिल जी, आपने आरटीआई को लेकर एक लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ी है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जवाबदेही रैली के जरिए आप 15 जिलों में होकर आए हैं, 6,000 से ज्यादा आपके पास वो शिकायतें जिनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं है, इस मामले के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपकी लड़ाई कहां तक चलेगी? क्या ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक विधायक सलाखों के अंदर नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल जारी रहेगी, हम लोगों को पता है किसने क्या किया। हमारे जवाबदेही यात्रा का मतलब तब निकलेगा जब हमारे सामने जो हम राज्य की बात लेके चल रहे हैं उसको रोकने के लिए इस ढंग का अपराधी काम किया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 11 लोग यदि गिरफ्तार हुए तो 12 होने चाहिए थे, जिसमें सबसे पहले विधायक महोदय को गिरफ्तार करना चाहिए था, और राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए। इसी विधायक महोदय के खिलाफ 15-20 केस है, एक केस है जहां उन्होंने 2005 में एसडीएम के माथे पर रिवॉल्वर रखा और वो केस की कॉपी है, एफआईआर की नकल है हमारे पास। तो इस किस्म के लोग क्या हमारे असेंबली में रहेंगे, हमारे राज्य को चलाएंगे, हमारे कानून को चलाएंगे, हम किस बात? इसलिए जवाबदेही अब इसी पर टिकी है और इसीलिए हम इसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। और इसके साथ साथ जो जवाबदेही यात्रा एक कानून लाना चाहती है ताकि इन ऐसे हर मामले में आम नागरिक भी बात उठा सके। आप और हम, मनीष जी, आप क्या जवाब इस मुद्दे पर देंगे? क्या अभी भी आप ये कहेंगे कि 7 दिन के अंदर जब जवाब मिलेगा बीजेपी तब कार्रवाई करेगी? और उन कार्यकर्ताओं का क्या, क्या उनको बीजेपी ने अभी तक निष्कासित किया है जो यहां पर हंगामा करते नजर आए, विधायक साहब के कहने के साथ वहां पर बवाल मचाया गया? नहीं, इस पर कॉग्निजेंस तो हुआ ही है। आप देखेंगे कि इस बारे में जब 15 जिलों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो राजस्थान के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में बात करना बेमानी है। ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल घटना है जिसके कारण ऐसा लग रहा है, तो उसके कारण भी प्रोसीजर को बीजेपी मौन नहीं बैठी है, उन्होंने अपना प्रोसीजर तो करना ही पड़ता है। प्रोसीजर में टाइम सोमवार आज हो चुका है, हंगामा जब हुआ, निखिल जी ने जब आवाज उठाई, मीडिया ने जब आवाज उठाई, तब कहीं जाकर आज इसके ऊपर एक्शन हुआ है? आपको वाकई में लग रहा है कि बीजेपी एक्शन करने के मूड में नजर आ रही है? मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि कोई शिकायत, मैंने आपको प्रारंभ से यही बात कही है कि प्रारंभ में कोई शिकायत ही नहीं है, ध्यान में नहीं है, तो वो जो इंडिविजुअल बात है उसके कारण से ये बात हुई है कि अखबार में खबर छपी है और इसके कारण से बात करनी पड़ेगी। एफआईआर हुई है, उसके राठौर साहब की सही जानकारी नहीं है। इट में भी अब ये बात सही हो सकती है कि व्यस्तता के कारण हर व्यक्ति को हर बात पता ना हो, लेकिन ये पक्की बात है कि एफआईआर जो इन्होंने इनिशिएट की थी उस पर कार्रवाई हुई है, तो पुलिस मौन नहीं बैठी है, नंबर एक। और नंबर दो, जो कारण बताओ, नोटिस जारी से गजब का जवाब है, रोकना चाहूंगा। विधायक अंदर हंगामा होता है, लोगों को वहां पर पीटा जाता है, महिलाओं तक को बख्शा नहीं जाता है, पुलिस नजर नहीं आती है, विधायक साहब खुलेआम डंडा लेकर वहां पर दौड़ाते हैं, पुलिस नजर नहीं आती है, और उसके बाद 2 दिन तक पुलिस नजर नहीं आती है, और जब मीडिया खबर दिखाती है तो 10 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया जाता है, विधायक साहब को तब भी टच नहीं किया जाता। आप कहते हैं कि पुलिस यहां पर निष्पक्ष जांच कर रही है? 11 लोगों को गिरफ्तार किया है
एफआईआर पर कार्रवाई इनिशिएट हुई है ये बात कह रहा हूं मैं, इसलिए ये कहना जिसके निर्देश नहीं हो रही है, ये जिसके निर्देश के ऊपर जिसकी अगुवाई के साथ ये पूरा हंगामा हुआ उसको अभी तक पुलिस ने टच नहीं किया, बीजेपी ने उससे जवाब मांगा नहीं है, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं गया है, अगर ये बीजेपी की मौन सहमति नहीं तो और क्या है? नहीं नहीं, ये बीजेपी का पुलिस के काम में दखल नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर इस बारे में कोई चीज ध्यान आएगी और अगर ये बात होती है तो उसका बात चल लिया जाएगा, लेकिन आप इस बारे में तो कहेंगे कि पुलिस को जो एजेंसी है वो जांच कर रही है। आपने मनीष जी कहते हैं कि पुलिस की कार्रवाई में बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो क्या सीधा ये कह दिया जाए कि पुलिस चलती ही बीजेपी के हिसाब से आज प्रदेश के अंदर? देखिए विजेंद्र, बहुत विचित्र सी स्थिति है, गृहमंत्री कहते हैं कानून से ऊपर कोई नहीं है, और ये तो कानून को हाथ में लेने वाले विधायक नहीं समाजकंटक है उन्हें दिख नहीं रहे, चिकित्सा मंत्री जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, शर्मसार हूं चिकित्सा मंत्री हूं, हाथ जोड़ते हैं पानी तो पिला दो, तो उनकी लाचारी तो आप समझ सकते हैं, वो तो बिल्कुल लाचार मंत्री हैं। और रही मुख्यमंत्री की बात, तो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री एक ही नीति पर काम करें कि इनके खिलाफ यदि कोई खबर होती है, इनका कोई भ्रष्टाचार होता है, तो उसे नेचुरल डेथ में परिवर्तित ना हो खबर जब तक, तब तक मौन करके रखते हैं, और यही रीति पर काम करने के कारण एक विधायक को इस तरह से प्रश्न दिया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन से क्या तो इतना ज्यादा गौण हो चुका कि गृहमंत्री तो नगदंतविहीन है, उनके पास तो अधिकार ही नहीं किसी एसएचओ का ट्रांसफर करने की। एक ज्वलंत उदाहरण देखिए, यहाँ एक लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होता है, डीसीपी साउथ ने कहा कि भाई वहां ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, एनओसी देने में कुछ विलंब कर दिया या उनका तबादला कर दिया, यहाँ पर एसएचओ है वो कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े समाजकंटकों को अगर गिरफ्तार करने जाते हैं उनका सारा उठा लेंगे, लेकिन आप यहाँ बताइए कि कांग्रेस का एक्शन इस मुद्दे पर क्या रहेगा? कांग्रेस त्वरित इस रिएक्शन, जैसे घटना का पता चला हमने निंदा भी की और हमने हर मोर्चे पर ये बात मुखरता के साथ उठाई है कि कम से कम समाज सेवी संस्थाओं के साथ तो दुर्व्यवहार मत करिए, लेकिन तो क्या असर होता है, इन्होंने तो कल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की लाठियों से लाठियां भांज करके उनको घायल कर दिया क्योंकि स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञापन देने गए थे बीकानेर में, तो स्थितियां बयां करती है कि ये बौखलाई हुई पार्टी है, हर मोर्चे पर विफल हुई है, ट्रांसपेरेंसी में विश्वास नहीं करती, पारदर्शिता सुनिश्चित करने की यात्रा निकालने वाले प्रतिष्ठित लोगों को मार करके भगाना चाहती, लेकिन ये भूल गई ये भारत है, लोकतांत्रिक भारत, इसके मूल्यों का, मानवीय मूल्यों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का जब जब हनन हुआ है तब उसके सामने जनता खड़ी हुई है, हम कांग्रेस एनजीओ के साथ खड़े हैं और हम बताएंगे कि ये किसी भी छोटे छोटे सवाल है, संक्षेप में प्लीज जवाब दीजिएगा। पहला ये कि जो आपने नुक्कड़ नाटक वहां पर किया, क्या इसकी परमिशन ली गई थी? जी, हमने चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को पूरा रूट चार्ट के साथ पूरा प्रोग्राम भेजा है, 3 महीने से ऊपर का प्रोग्राम है, उसमें सब जगह सबको खबर है, हम कलेक्टरों के साथ और डीएलओस के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या इस दौरान पुलिस का कुछ जवान आगे आ रहे चलते हैं, जहां पर आप नुक्कड़ नाटक करते हैं वहां पर वो मौजूद हो? यहाँ बिल्कुल मौजूद थे, और केवल नुक्कड़ नाटक नहीं है, बातचीत है, लोगों की शिकायतें दर्ज भी की जा रही है, और सरकार को खुश होना चाहिए, पुलिस वहां थी, झालावाड़ में थी, वो अकलेरा में थी वहां, और वो देखती रही, और जब लोग भागे और कहा कि हम गाड़ी में बैठना चाहते हैं, गाड़ी बंद करके उनको और मार खाने के लिए मजबूर किया, तो वहां बहुत गंभीर बात है मेरा ये कि क्या इसके बाद जो आपकी रैली है वो आगे जारी रहेगी या जब तक इस मामले के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा, विधायक सलाखों के अंदर नहीं पहुंचेगा, तब तक आप यही लड़ाई यहां पर लड़ते रहेंगे? नहीं, हमारी रैली जारी रहेगी जी, और वो इस रूप में रहेगी कि इसी बात को हम हर जगह पहुंचाएंगे जी, जब तक वो विधायक के साथ पूरा कानून कहा गया, गृह मंत्री साहब ने कहा कि कानून से ऊपर नहीं, अभी तो कानून से ऊपर दिख ही रहे हैं, ये तो आज के आज गिरफ्तार होने चाहिए, और ये बात हम जगह जगह पहुंचाएंगे क्योंकि ये साफ दिखेगा, हमसे पूरे राजस्थान में पहुंचाएंगे, आज हमने झालावाड़ में कार्यक्रम किया, आगे ले गए, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता है, ये रोकने की साजिश थी इस पूरी बात। मनीष जी, मैं आपके पास जिस आवाज को दबाने की विधायक साहब ने यहाँ पर कोशिश की वो अब जन आंदोलन बन सकता है, आपके खिलाफ एक अलग माहौल बन सकता है, जरा इस बात का जवाब दीजिए कि विधायक साहब के खिलाफ बीजेपी पार्टी और संगठन कोई कार्रवाई करेगा भी या नहीं करेगा? ये निश्चित तौर पर करेगा विजेंद्र जी, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इस बारे में कोई दो राय नहीं है, और जब ये विषय आया था सामने
तो अभी पहले पहले भी कार्रवाई की है, उसमें विधायक हो या कोई और कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, तस्वीरों में सब कुछ नजर आ रहा है, लोग वहां पर सब कुछ बता रहे हैं, पुलिस वहां पर मौजूद थी, उसके बाद भी आपने अभी तक विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं है। 7 दिन में जवाब यहां पर मांगा तो करना पड़ेगा। क्या निखिल जी, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रदेश की जनता और पूरी मीडिया 7 दिन इंतजार करे कि बीजेपी कोई एक्शन लेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं कि इस बारे में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ता है, प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, तभी न्याय होता है। और ये बात सही है, दूसरे यानी कि आप कहना चाहते हैं कि कल को अगर कोई विधायक आपका किसी का खून करता हुआ वीडियो वायरल हो जाए तो आप उससे जवाब मांगे कि कार्रवाई नहीं करेंगे? कार्रवाई पुलिस कर रही है विजेंद्र जी, और इसीलिए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इतना कानून का राज यहाँ पर चलता है कि उसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। कानून का राज शायद उनका राज हो तो आपराधिक मामला होने के बावजूद मानो वो वहाँ पर रैली या संवाद ना हो रहा हो, कोई अखाड़ा हो रहा हो जहाँ पे विधायक साहब उतरते हैं, हाथापाई करते हैं और खुद को पाक साहब बताकर निकल जाते हैं। वो तो खुद ही कह रहे हैं ना, आपने जब उनको इंटरव्यू किया है तो उन्होंने खुद नहीं कहा है। अब उनका पक्ष तो यही है, तो क्या बीजेपी का भी पक्ष यही है? का कंसर्न क्या है? वो बीजेपी का पक्ष यही है जी। देखिए विजेंद्र, ये कानून का राज है, कानून का काम कर रहा है, पुलिस को खुला छोड़िए ना, गिरफ्तार करवाइए, आपराधिक मामला दर्ज कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि का उसके मंच पे की गई अनुशासनहीनता नहीं है, सार्वजनिक रूप से लाठी उठा करके महिलाओं के साथ अभद्रता मारपीट की गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको रखना चाहूंगा, कुछ कहना चाहते हैं, क्या आपको लगता है इस मामले के अंदर कोई कार्रवाई होती नजर आएगी? स्वीकृति इसको देती दिखाई देगी विजेंद्र जी? विजेंद्र, होना तो ये चाहिए था कि इस काम की प्रशंसा करते हुए, यानी कि जो चिंता रैली चल रही है इसको, इसकी प्रशंसा करते हुए गृह मंत्री को एक 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 बयान जारी करना चाहिए था कि जिन लोगों ने इसके बीच में हस्तक्षेप किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, चाहे विधायक हो चाहे दूसरे लोग हों, और मुख्यमंत्री को भी इसकी तारीफ करनी चाहिए थी, क्योंकि जो जिम्मेवारी प्रशासन की और संगठन की है भारतीय जनता पार्टी की, वो तो कर नहीं पा रहे, और जो दूसरे संगठन कर रहे हैं उसके लिए तारीफ की जानी चाहिए, वो सब किया नहीं है। और उसके बाद में मनीष जी तो प्रक्रिया में डाल रहे हैं सारी चीजों को, सब प्रक्रिया के साथ में होगी, 7 दिन अनुशासन का सिलसिला देखा जाएगा, उसके बाद में होगा। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इस शासन के खिलाफ जाएंगी, और लोगों को मतलब चाहिए कि संगठन को चाहिए और सरकार को चाहिए कि तत्काल कार्रवाई करे, और जो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया निखिल जी आपका भी, अर्चना जी और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन निखिल जी, उम्मीद करेंगे कि जवाबदेही रैली जिस तरीके से चलती आ रही थी उसी तरीके से चलती रहे और जन समर्थन इसको और ज्यादा मिलता नजर आए, लेकिन इस बीच सरकार अपनी जवाबदेही से कतई नहीं बच सकती। अगर इस मामले के अंदर कार्रवाई नहीं की गई, यकीन मानिए जवाबदेही रैली जन आंदोलन के अंदर भी बदल सकती है। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।